असाइनमेंट नंबर इलेवन के क्वेश्चन कर रहे हैं कंपनी हैज़ पुट टूगैदर अ स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर इट सिंगल प्रोडक्ट एज शोन बिलो बजटेड मंथली प्रोडक्शन इज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड यूनिट्स ये क्या है बजटेड एक्टिविटी है और इस बजटेड एक्टिविटी पे उन्होंने डेटा दिया हुआ ये भी बजटेड डेटा ही है सेलिंग प्राइस वन फिफ्टी डायरेक्ट लेबर फाइव आवर्स चाहिए टेन पर आवर तो टोटल फिफ्टी डायरेक्ट मटीरियल सिक्स लीटर्स एट फाइव डॉलर पर लीटर टोटल थर्टी सिक्स इंटू फाइव वेरिएबल ओवर हैड फाइव आवर्स एट सिक्स डॉलर पर आवर थर्टी फिक्स ओवर हैड फिफ्टीन एंड प्रॉफिट ट्वेंटी फाइव ओके तो यह पर यूनिट बजटिट डेटा भी दिया हुआ है आगे क्या चल रहा है पहले फाइंड क्या करना है यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम द एक्चुअल प्रॉफिट फॉर डिसम्बर वुड बी डिसंबर मंथ का एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग में कैलकुलेट करें ठीक है अब ये पैराग्राफ देख लेते हैं द एक्टिविटी लेवल इन नॉट द सेम एज बजटेड जो एक्चुअल एक्टिविटी हुई है वो डिफरेंट है बजटेड से बजटेड एक्टिविटी थी हमारे पास 2500 यूनिट्स और एक्चुअल एक्टिविटी हमारे पास क्या है ये भी पता नहीं है बट uh, ये बता दिया कि वो बजटेड से डिफरेंट है ओके okay. एंड द डेटा फ्रॉम द कॉस कार्ड वॉज यूज टू री कैलकुलेट द बजटेड प्रॉफिट फॉर द एक्चुअल एक्टिविटी लेवल यूजिंग अ मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम ठीक है तो बजटेड प्रॉफिट को बेस करके मल्टीप्लाई किया एक्चुअल एक्टिविटी से और हमारे पास वो फ्लैक्स बजट आ गया अब ये क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है एक्चुअली ये मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन कम है और ये फ्लैक्स बजट का क्वेश्चन ज़्यादा है सो द फ्लैक्स बजट शोड अ प्रॉफिट ऑफ फिफ्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये फ्लैक्स बजट का प्रॉफिट है ठीक हो गया। वो वो बाकी जितनी भी cost है वो as budgeted थी, सिर्फ दो कॉस्ट डिफरेंट है एक एक्सपेंसिव एंड वेरिएबल ओवरहेड विच वर्टी परसेंट चीपर अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है एक्चुअल प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम ठीक हो गया ये हमारा टारगेट है या रिक्वायरमेंट है अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि कैसे कैलकुलेट करें अब अगर हमारे पास एक्चुअल एक्टिविटी गिवन होती ना फिर तो मसला ही ना होता एक्चुअल एक्टिविटी लेते सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करते एक्चुअल एक्टिविटी लेते इन सारी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते फिक्स ओवरहेड तो सेम रहता तो प्रॉफिट आ जाता तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में कि एक्चुअल एक्टिविटी जो है वो मिसिंग है अगर एक्चुअल एक्टिविटी हमें पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करना तो पीस ऑफ केक हो जाएगा अब एक्चुअल एक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करें ये क्वेश्चन है सो so, क्या आइडिया कैसे फाइंड आउट करें कोई आइडिया ओके okay. ये जो फ्लेक्स प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है फ्लेक्स बजट प्रॉफिट ये कैसे कैलकुलेट हुआ होगा कोई आइडिया मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए एक्चुअल क्या और बजटेड क्या बिल्कुल एक्चुअल को हम बजटेड से मिलाते हैं बट एक्चुअल एक्टिविटी वेरी गुड और नहीं एक्चुअल एक्टिविटी को मल्टीप्लाई करो बजटेड एक्टिविटी से तो फिर तो एक्टिविटी ही आएगी प्रॉफिट तो हमारे पास निकलेगा ही नहीं बट यस एक्चुअल को बजटेड से मिलाना है बजटेड आवर्स नहीं वो भी एक्टिविटी है हम क्या करते हैं फ्लेक्स बजट बेसिकली क्या होता है कि जब हमारा जो फिक्स बजट है ये क्या है हमारा फिक्स बजट है एक्चुअल एक्टिविटी डिफरेंट है तो फ्लेक्स बजट में हम क्या करते होते हैं एक्चुअल एक्टिविटी को लेते हैं और इस सारे डेटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्लेक्स बजट आ जाता है फ्लेक्स बजट वो बजट होता है जो एक्चुअल एक्टिविटी और बजट कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है ऐसे ही है? Yes, तो अगर हम ऐसे कर लें कि बजटेड कंट्रीब्यूशन इसको मल्टीप्लाई करें एक्चुअल एक्टिविटी से तो आपके पास क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा फ्लैक्स बजट कंट्रीब्यूशन एट एक्चुअल एक्टिविटी फिर उसमें से हम माइनस कर दें अपनी फिक्स कॉस्ट जितनी भी हैं, तो हमारे पास आ जाएगा फ्लैक्स बजट प्रॉफिट मतलब कि हमारा बजट डेटा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल एक्टिविटी से तो फ्लैक्स बजट प्रॉफिट आ जाएगा एग्री yes, ये क्वेश्चन अगर समझ आ गई तो क्वेश्चन खत्म हो गया लेकिन अभी तो वो डेटा हमारे पास एक्चुअल एक्टिविटी गिवन नहीं है ना तो इसलिए हम डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते तो पहले एक्चुअल एक्टिविटी फाइंड करते हैं फिर इसी इक्वेशन को हम यूज करके दोबारा से कैलकुलेट करेंगे ठीक है ओके बट मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है देखो सेल्स रेवेन्यू होता है उसमें से ऑल वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती हैं फिर हमारे पास आता है कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें से हम माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट और हमारे पास आ जाता है सेल्स रेवेन्यू हम देखें फॉर एग्जाम्पल बजटेड यह है सारा वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी है, पहले है 50 पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड है 30 पर यूनिट एंड उसके बाद फ़िक्स्ड है ओके okay. सो so 150 फिफ्टी माइनस वन टेन हमारे पास क्या आ गया यह हमारा बजटेड कंट्रीब्यूशन बजटेड कंट्रीब्यूशन फिर इसमें से फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है 15, इसको माइनस कर लें 40 माइनस फिफ्टीन तो ये हमारे पास आ गया बजटेड प्रॉफिट सारा अगर बजटेड डेटा लें तो ये आ गया अब एक्टिविटी लेवल क्या था बजटेड एक्टिविटी थी हमारे पास इस क्वेश्चन में 2500 यूनिट्स उसके लिए हमारे पास पर यूनिट ये डेटा अवेलेबल है एग्री बट उसने क्या किया उसने हमें दे दिया कि फ्लेक्स बजट उसमें ऑलरेडी प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ हुआ है, और उसमें बता दिए कि आप फाइंड आउट करो कि एक्चुअल एक्टिविटी क्या होगी अब जब फ्लैक्स करना होगा तो हमें कैसे करना होगा अगर ये सेल्स रेवेन्यू हमें पता है बजटेड इसको मल्टीप्लाई कर लो एक्चुअल एक्टिविटी से तो हमारे पास फ्लैक्स का सेल रेवेन्यू आ जाएगा फ्लैक्स की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी फ्लैक्स कंट्रीब्यूशन आ जाएगा फिक्स कॉस्ट सब कुछ आ जाएगा बट एक्चुअल एक्टिविटी फाइंड करना जरूरी है तो हम क्या करेंगे हम फार्मूला बनाएंगे फ्लैक्स बजट प्रॉफिट कैसे आता है इज इक्वल टू बजटेड कंट्रीब्यूशन क्या है इन टू एक्चुअल एक्टिविटी माइनस फिक्स कॉस्ट अब जरा सॉल्व करते फिर मैं आपको दोबारा से ये एक्चुअल एक्टिविटी जब पता चल जाएगी ना तो दोबारा से ये प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखेंगे अच्छा अब कैसे करना है पहले बजटेड कंट्रीब्यूशन बजटेड कंट्रीब्यूशन कितना होगा इस क्वेश्चन में 40. ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है यहां पे ये है फोर्टी ठीक हो गया तो मतलब फ्लैक्स बजट प्रॉफिट इज इक्वल टू फोर्टी डॉलर्स पर यूनिट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी तो हमें पता ही नहीं है यही तो फाइंड करना है इसको ऐसे ही लिख लेते हैं माइनस फिक्स कॉस्ट अब फिक्स कॉस्ट कितनी होगी फिक्स कॉस्ट फिफ्टीन पर यूनिट है और बजटेड यूनिट्स कितने थे हमारे ट्वेंटी फाइव हंड्रेड सो हमें तो टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए ना सो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड टाइम्स फिफ्टीन डॉलर पर यूनिट तो so, ये हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी एग्री ओके okay. अब आगे चलते हैं फ्लेक्स बजट प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में गिवन है फिफ्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड बजट प्रॉफिट है इज इक्वल टू वही फोर्टी जो है इनटू एक्चुअल एक्टिविटी एंड माइनस फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट कितनी होगी सर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिक्स कॉस्ट होगी 2500 फाइव 15 डॉलर पर यूनिट यह है थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव सो फिक्स हमारे पास आ गई टोटल 37,500. ये इक्वेशन बन गई ठीक है yes, अब क्या करते हैं ये इज इक्वल टू है सेंटर में यहां पे माइनस थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो क्या होगा माइनस थर्टी सेवन थाउजेंड माइनस थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है ना इक्वेशन में फिक्स कॉस्ट yes. ये राइट हैंड साइड पे है अगर इसको हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले आए तो क्या करेंगे फिर फिफ्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ये हो जाएगा नाइन्टी टू थाउजेंड बाकी इक्वेशन क्या बच जाएगी नाइन्टी टू थाउजेंड इज इक्वल टू फोर्टी टाइम्स एक्चुअल एक्टिविटी ऐसा ही है ओके yes, okay. अब ओहो। अब यहां पर ये इक्वेशन बच गई अब ये फोर्टी जो है ये राइट हैंड साइड पे है इक्वेशन के और ये मल्टीप्लिकेशन में है जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या होगा no जब मल्टीप्लिकेशन में होगा जो भी नंबर जब उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो डिवीजन में आ जाएगा ठीक है सो नाइन्टी टू थाउजेंड डिवाइडेड बाई फोर्टी और अगर यहां पर डिवीजन में होता दूसरी तरफ लेके जाते तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाता ठीक है क्लियर विद दिस सो नाइंटी टू थाउजेंड डिवाइड बाई फोर्टी ये हमारे पास आ गया ट्वेंटी थ्री हंड्रेड यह क्या है ये हमारी एक्चुअल एक्टिविटी है सो एक्चुअल एक्टिविटी मतलब इन यूनिट्स ट्वेंटी थ्री हंड्रेड यूनिट्स क्लियर विद yeah. अब देखते हैं कि ये क्या हमने ठीक कैलकुलेट किया या गलत कैलकुलेट किया सिर्फ बजट कैलकुलेट करते हैं इस डेटा से तो कैसे कैलकुलेट करेंगे यही हम ले लेते हैं और प्रॉफिट देखते हैं कि वही वाला आता है कि नहीं अगर ये एक्टिविटी ठीक होगी तो प्रॉफिट वही वाला आएगा अच्छा बजटेड सेल्स कितनी थी वन फिफ्टी एक्चुअल एक्टिविटी विच इज ट्वेंटी यूनिट्स तो फ्लेक्स सेल्स रेवेन्यू आ गया 345, ठीक है ऑल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 110 पर यूनिट है बजटेड इनटू एक्चुअल एक्टिविटी 2300 ये आ गया 253. बजट कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 345 फोर्टी फाइव माइनस टू ये फ्लैक्स की हम बात कर रहे हैं ये आ गया 92,000. फिक्स कॉस्ट अब कितनी होगी अब ये फ्लैक्स बजट जो बन रहा है ये किस एक्टिविटी लेवल के लिए बन रहा है 2300 यूनिट्स के लिए फिक्स बजट था 2500 यूनिट्स के लिए तो फिक्स कॉस्ट कितनी होनी चाहिए टोटल बजटेड में भी यहां लिख देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन है बजटेड में हमारी थी 15 इंटू ट्वेंटी हमारी फिक्स कॉस्ट थी 37,500 सेवन थाउजेंड फाइव तो फ्लैक्स के लिए जब फिक्स कॉस्ट को फ्लेक्स करेंगे तो कितनी होनी चाहिए मतलब ये आप कहना चाह रही हो कि जब लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होगी तो टोटल फिक्स कॉस्ट भी चेंज होगी चेंज नहीं होती तो जो ओरिजिनल बजट में थी एग्जैक्टली exactly वही हम लेंगे वेरिएबल चेंज होगी सेल्स रेवेन्यू चेंज होगा फ्लेक्स बजट में कंट्रीब्यूशन चेंज होगा बट फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम तो कितना आ जाएगा ये 92,000 टू थाउजेंड माइनस थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये क्या है ये फ्लेक्स बजट का प्रॉफिट है ऐसा ही है? यहां पे भी देखो 54,500 है तो उन्होंने ट्रिक सारी इस क्वेश्चन में ये थी कि एक्चुअल एक्टिविटी हमें नहीं बताई हुई थी तो वही हमें फाइंड करनी थी एग्री विद दिस अब इसी तरह हमने क्या करना है एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है अब एक्चुअल एक्टिविटी आपके पास आ गई है बजटिड डेटा आप लोगे और आप कैलकुलेट कर लोगे कुछ डेटा जो है वो चेंज होगा सो एक्चुअल रिजल्ट क्या लो इसको ट्वेंटी थ्री हंड्रेड यूनिट एक्चुअल ये कैलकुलेट कर लोगे या मैं ओके सेल्स रेवेन्यू अच्छा उन्होंने कहा सिर्फ दो चीजें चेंज हुई हैं सेकेंड पैराग्राफ में मटीरियल एंड वेरिएबल ओवर हेड बाकी सब कुछ बजट वाला ही है तो बजटेड सेल्स रेवेन्यू कितना था वन फिफ्टी एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है ट्वेंटी थ्री हंड्रेड यही हमारा सेल रेवेन्यू होगा अब वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे चेंज हो रही है ना तो इसलिए हम इसको रिमूव कर लेते हैं अच्छा वेरिएबल कॉस्ट में है डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर में कोई चेंज आया है एज पर बजटेड लेबर नहीं कुछ नहीं। में कुछ नहीं आया तो लेबर में हम क्या करते हैं वही रेट ले लेते हैं बजटेड वाला डायरेक्ट लेबर पर यूनिट है फिफ्टी और हमने यूनिट्स बनाए हैं ट्वेंटी थ्री हंड्रेड ये आगे वन फिफ्टीन फिर इसके बाद सेकंड हमारी वेरिएबल कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल अच्छा डायरेक्ट मटेरियल में चेंज आया है पर यूनिट था हमारे पास जी डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट था थर्टी और ये इंक्रीज हो गया ट्वेंटी परसेंट से तो ट्वेंटी परसेंट ऐड कर लो तो ये पर यूनिट हो जाएगी थर्टी सिक्स सो थर्टी सिक्स इन टू ट्वेंटी थ्री हंड्रेड ये आ जाएगा एटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड आफ्टर एडिंग ट्वेंटी परसेंट एक्स्ट्रा फिर इसके बाद वेरिएबल ओवर है इसमें भी चेंज आया है वेरिएबल ओवर 30 थर्टी डॉलर पर यूनिट है और ये क्या हुआ सस्ता हुआ थर्टी परसेंट से तो इसका सेवेंटी परसेंट या थर्टी परसेंट इसमें से माइनस कर लो तो ये आ जाएगा ट्वेंटी थ्री हंड्रेड यह आ जाएगा फोर्टी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड अब एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना होगा सेल्स माइनस ऑल द वेरिएबल कॉस्ट आफ्टर दीज चेंजेस ये आ गया 98,900 एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड इसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट कितनी होगी टोटल वो सेम ही रहेगी और हमारे पास आ जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट जो कि है 98,800 एट थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आ जाएगा सिक्सटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड क्लियर विद दिस कोई कंफ्यूजन इसमें ओके बस इसमें ये जो पॉइंट अगर आप ये गलत भी करते हैं ना तो जस्टिफाइड था क्योंकि इसमें ये ये जो है ना काफी ट्रिकी पोर्शन है इसमें बट एग्जाम में ये पॉइंट आ सकता है बट अब आपने कर लिया तो आई एम श्योर आपको क्लियर होगा असाइनमेंट इलेवन इन जी को हैज बजटेड सेल्स ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड यूनिट एंड बजटेड प्रोडक्शन ऑफ सेवनटीन थाउजेंड दी प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इज टेन थाउजेंड डॉलर लोअर देन वेन प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड अंडर एब्जॉर्प्शन कास्टिंग सॉरी अच्छा तो बजटेड सेल फिफ्टीन थाउजेंड थी प्रोडक्शन ज्यादा थी सेल्स कम थी और मार्जिनल कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है वो टेन थाउजेंड डॉलर लोअर है एब्जॉर्प्शन कास्टिंग से सो यह ऐसे कह लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा है मार्जिनल के प्रॉफिट से ऐसा ही है yes. अच्छा अब एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट किस सिचुएशन में ज्यादा होता है चैप्टर uh, इलेवन था ना जहां रूल्स लिखे हुए थे हाँ ये रूल्स याद हैं आपको आर यू श्योर ये रूल लिखा हुआ है सामने देखो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा है मार्जिनल से तो रूल नंबर टू अप्लाई हो रहा है ऐसा नहीं है हाँ इंक्रीज इन इन्वेंट्री इंक्रीज इन इन्वेंट्री क्या होती है जब क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होती है ओपनिंग इन्वेंट्री से या प्रोडक्शन ज्यादा होती है सेल से एग्री ओके सो ये वाला रूल है तो एक चीज तो हमें क्लियर हैंड पता चल गया कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी देख लेते हैं यहां पे हमारी सेल्स थी 15,000 प्रोडक्शन हमारी है 17,000 जी ओके okay. दोबारा भी देख लेते हैं यहां पे देखो यहां पे जब ओपनिंग ज्यादा होगी क्लोजिंग से डिक्रीज इन इन्वेंट्री मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा होगा इंक्रीज इन इन्वेंट्री जब क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होगा नो ओपनिंग नो क्लोजिंग दोनों का प्रॉफिट इक्वल होगा क्लियर ओके yes, okay. अब सेल्स हमने की फिफ्टीन थाउजेंड प्रोडक्शन हमने की सेवनटीन थाउजेंड तो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई पीरियड के एंड पे सेवेंटीन थाउजेंड माइनस फिफ्टीन थाउजेंड टू थाउजेंड की हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई पीरियड एंड पे ऐसा ही है ओके yes. okay. अब वो कह रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट जो है वो ज्यादा है मार्जिनल से या मार्जिनल का कम है एबजॉप्शन से तो रिक्वायरमेंट ये है द फिक्स प्रोडक्शन ओवर एड कॉस्ट पर यूनिट वॉस फिक्स प्रोडक्शन ओवर एड कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी आप यह बताओ कि जब एब्जॉर्बन का प्रॉफिट ज्यादा होता है मार्जिनल से जब इन दोनों में डिफरेंस आ रहा होता है उसका रीजन क्या होता है हमने यह तो कह दिया कि जब क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी या इंक्रीज इन इन्वेंट्री होगी ठीक है तो म, अब यहां पर सिचुएशन है क्लोजिंग इन्वेंट्री की तो मतलब ये कि जो प्रॉफिट का डिफरेंस आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहा है कि फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई क्लोजिंग इन्वेंट्री एग्री क्योंकि मार्जदल में वो नहीं जा रही मार्जदल में उसको पीरियड कॉस्ट ट्रीट कर रहे होते हैं और एब्जॉर्बन कॉस्टिंग में उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से माइनस कर देते हैं इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट एग्री विद दिस तो मतलब ये जितना भी प्रॉफिट का डिफरेंस आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट की वजह से आ रहा है जो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में एडिड है एंड uh, रिपोर्ट हुई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो क्या करेंगे ये प्रॉफिट का डिफरेंस ले लेंगे टेन थाउजेंड डिवाइड कर लेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री विच इज टू थाउजेंड यूनिट्स तो हमारे पास क्या आएगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विच इज फाइव डॉलर पर यूनिट ये क्या है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट एग्री विद दिस Hmm. अब जब हम कर रहे थे अगर आपको याद हो या हमने किया था डिफरेंस जब आ रहा था तो हमने क्या किया था यहां हमने लिखा था कहीं पे पे ये डिफरेंस 300 था हाँ, यहां पे देखो, 1 था देखो इज़ कॉस्ट पर यूनिट और जितने क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स थे क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स थे 300 सो so, 300 हंड्रेड इंटू वन वही डिफरेंस हमारा 300 का आ गया था तो यहां भी यही हुआ थोड़ी उल्टी वर्किंग उसने पूछ ली क्लियर विद दिस ओके